हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं यमन और आज का हमारा ट्यूटोरियल है टटिंग डांस कॉम्बो पर। आज के इस ट्यूटोरियल में आप सीखोगे टटिंग डांस कॉम्बो जो कि मैंने क्रिएट किया है। तो टटिंग के इस डांस कॉम्बो को सीखने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि टटिंग क्या है। तो टटिंग का बेसिकली मीनिंग है 90 डिग्री के एंगल्स को क्रिएट करना हमारी हैंड के हेल्प से। क्योंकि टटिंग जो है वो प्योरली ज्योमेट्रिक शेप पर बेस्ड है, मतलब कि टटिंग के अंदर हम ज्योमेट्रिक की शेप्स को क्रिएट करेंगे और उन शेप्स को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टेप फर्स्ट, अपने हाथों को इस तरीके से रखिए। आपके हाथों का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। आपको 90 डिग्री एंगल क्रिएट करना होगा। स्टेप सेकंड के अंदर आपको आपके पाम को बेंड करना होगा इस तरीके से। आपके पाम को बेंड करेंगे और उसका एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए। स्टेप थर्ड के अंदर आपको अपने दूसरे हाथ को स्ट्रेट करना होगा इस तरीके से। अब स्टेप फोर्थ के अंदर आपका हाथ इस तरीके से आगे आएगा और ये भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए और सामने से भी 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। अब काउंट वाइज करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ। सेवन्थ के अंदर आपका जो ये देख रहे हैं आपका जो एंगल है 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम ऐड करेंगे तो एड के अंदर आप इस तरीके से आपको अपने हाथों को ऊपर की ओर लेके जाना होगा। अब यहाँ पर आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। इस तरीके से आपको एंगल को क्रिएट करना होगा। अब हम इसे काउंट वाइज करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। अगेन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट। गाइस, क्या आप भी खुद के डांस कॉम्बोज क्रिएट करना चाहते हो? क्या आप भी टटिंग के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हो? यदि हाँ तो हम आपके लिए ला रहे हैं डांस कोर्स जिसका नाम है टटिंग 101। टटिंग 101 डांस कोर्स बेस्ड होगा हैंड एंड अपर बॉडी टटिंग के ऊपर। इसके अंदर आप सीखोगे अपर बॉडी और हैंड टटिंग के बारे में और ये उन लोगों के लिए कोर्स होगा जिन्हें डांस का कोई नॉलेज नहीं है, जो डांस में अभी बिगिनर्स हैं, आपने किसी भी तरीके के डांस की पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी तो भी ये आपको काम आएगा। तो ये उन लोगों के लिए है जिन्हें डांस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे सभी कोर्स की प्राइस 2000 रुपीज़ है, बट ये कोर्स को आप यदि प्री ऑर्डर करते हो तो आप 50% ऑफ पा सकते हो। प्री ऑर्डर करने के लिए आपको इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको 100 रुपीज़ का टोकन अमाउंट पे करना है। आप जब इस टोकन अमाउंट को पे करोगे तब आपका प्री ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और जब भी हमारा कोर्स रिलीज होगा तब आप इसे 50% ऑफ में परचेस कर सकते हो, जो कि 1000 रुपीज़ होगा। आपको 1000 रुपीज़ ही इस कोर्स में देने होंगे। तो आपको यदि ये कोर्स चाहिए तो आप आज ही प्री ऑर्डर कीजिए। 8 के बाद अब 9 से स्टार्ट करेंगे। तो जो 8 में आपने पोस्टर बनाया था वैसे ही पोस्टर आपको बनाना होगा। 9, अब 9 के बाद आपको ये स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है इस तरीके से आपके हाथों से और अब इसे स्लाइड करेंगे। फिर 10 के अंदर आपके जो पाम है वो आपके एल्बो को टच करेंगे और आप फिर रोटेट करना है आपको इस तरीके से। आप रोटेट कीजिए, ठीक है। अब रोटेट करने के बाद आपको आपके पाम को टच करना है आपके हैंड से इस तरीके से। अब आपको इसे भी रोटेट करना होगा। अब इसे रोटेट कीजिए इस तरीके से। अब वापस से स्लाइड कीजिए। स्लाइड करने के बाद अपने पाम को पाम से टच करके इस तरीके से घुमाकर इसे वापस लाइए। फिर स्लाइड कीजिए, फिर आप रोटेट कीजिए, फिर जॉइन कीजिए अपने दोनों हाथों को, फिर पेयर पोजीशन में इसे एंड कीजिए। अब हम काउंट वाइज करेंगे। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. गुड। अगेन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ठीक है, गुड। फुल कॉम्बो करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. लास्ट बट डू फास्ट, ये लास्ट है और इसे आपको फास्ट करने की कोशिश करनी होगी। क्विक टिप्स, तो गाइस कुछ टिप्स हैं जो कि आपको स्टार्टिंग के कॉम्बो को सीखने में हेल्प करेगी। तो हमारी फर्स्ट टिप है मेमोराइज योर स्टेप। इसका मतलब है आपको
अपने सभी डांस स्टेप्स को मेमोराइज करना होगा अच्छे से। पहले आप इन सभी स्टेप्स को मेमोराइज कीजिए जो कि मैंने आपको इस कॉम्बो में बताए हैं। अच्छे से मेमोराइज करने से आपको फायदा होगा कि आप बार बार जब इस डांस को करोगे तो आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटेगा। तो मेमोराइज करने के लिए कुछ टेक्निक है जो कि मैं यूज करता हूँ, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। हमारी फर्स्ट टेक्निक है स्टार्ट विद बिगनिंग। इसका मतलब है आपको बिगनिंग से स्टार्ट करना होगा जब भी आप भूल जाओगे। जैसे कि मान लीजिए यदि आप फिफ्थ स्टेप पे भूल गए हो तो आपको वापिस से फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना होगा। इस तरीके से क्या होगा कि आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो और भी स्ट्रांग होते जाएगा, और ऐसे ऐसे करते करते आगे आपके जो पिछले के स्टेप्स है वो भी स्ट्रांग होते जाएंगे और जो आगे है वो भी स्ट्रांग होते जाएगा। ये टेक्निक का मैं यूज करता हूं, तो ये आप यूज कर सकते हो अपने स्टेप को याद रखने के लिए। टेक्निक नंबर सेकंड है हमारी स्टार्ट विथ टू स्टेप बैक। इसका मतलब है जब भी आप डांस करते हुए भूल जाओ तो आप दो स्टेप पहले बाद से वापिस से वहां से कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए यदि आप फिफ्थ स्टेप पे भूल गए हो तो आप थर्ड से कंटिन्यू कर सकते हो। कभी कभार कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से याद नहीं होते और जब भी हम उन पर आते हैं तब उन स्टेप्स को भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में ये जो टेक्निक है वो आपको हेल्प करेगी। जो सेकंड टेक्निक है वो बेस्ट है इस कंडीशन में फर्स्ट टेक्निक से। टेक्निक नंबर थर्ड स्किप स्टेप एंड लेट्स कंटिन्यू। इसका मतलब है जब भी आप डांस करते करते कुछ स्टेप्स को भूल जाओ तो उन्हें स्किप करके आप जो नेक्स्ट स्टेप है उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस इसके अंदर क्या होगा कि जब भी आप किसी डांस स्टेप को भूलोगे, जैसे मान लीजिए आपने 10th स्टेप को भूल गए हो, तो आप 11th से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें फायदा ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। तो इसमें टाइम बचता है बट मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभार जब आप डांस परफॉर्मेंस स्टेज पर करोगे तो आपको यही आदत बिगाड़ सकती है, आपको बार बार भूलने की आदत हो सकती है। इसी कारण से मैं इस टेक्निक को रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इसे तब कीजिए जब आप मान लीजिए अच्छे से सीख गए हैं चीज़ों को और आपको मतलब पूरा कॉन्फिडेंस है खुद पर कि आप नहीं भूलेंगे, तब इस टेक्निक का यूज़ कीजिए। हमारी टिप नंबर सेकंड है करेक्ट लाइन एंड शेप। तो गाइस स्टार्टिंग के अंदर शेप्स और लाइन ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबसे पहले मेमोराइज करना होगा और मेमोराइज करने के बाद अपने लाइन और शेप पर ध्यान देना होगा, उन्हें सही तरीके से करने की कोशिश करनी होगी। तो क्या होगा कि आप जब इन्हें सही तरीके से करोगे तो जो आपकी टटिंग है वो और भी अच्छी दिखेगी। यदि आप सही से 90 डिग्री एंगल नहीं बनाओगे तो आपकी जो टटिंग है वो इमेच्योर दिखेगी। हमारी थर्ड और लास्ट टिप है ए ट्रांजिशन एंड इंक्रीज क्रिएटिविटी। इसका मतलब है इस कॉम्बो में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप ट्रांजिशंस का ऐड करके इसे और भी क्रिएटिव कर सकते हो, जिससे ये और भी अच्छा दिखेगा। जैसे मान लीजिए ये वाला एक पोर्शन है जहाँ पर आप इन दोनों हाथों को साथ में करोगे तो भी ये अच्छा दिखता है, या फिर जैसे कि मान लीजिए एक हाथ आपका दूसरे हाथ को पुल कर रहा है, इस तरीके से ट्रांजिशन होगा। मतलब सेकंड ट्रांजिशन इस तरीके से वेव का है, आप चाहे तो इसे वेव ऐड करके भी कर सकते हैं। तीसरा ट्रांजिशन है वो इस तरीके से है, आप इस तरीके से भी इस ट्रांजिशन को कर सकते हो। तो गाइज ये आप पर डिपेंड होगा, आप इस बेसिक स्ट्रक्चर को सीखने के बाद आपके जो भी मन के अंदर कुछ भी ट्रांजिशन आपको पता हो तो आप उन्हें यूज कर सकते हो इस कॉम्बो में, और इस कॉम्बो को और भी अच्छा कर सकते हो। यदि आप छोटे छोटे इन ट्रांजिशन को ऐड करोगे आपके कॉम्बोज में तो आप और भी अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते। तो गाइस यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, यदि कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए, और यदि आप न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा इलेक्ट्रो डांस कॉम्बो पर। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टिल देन कीप डांसिंग।